सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जैसे कैसे यहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं, कितना फीस यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है, जेई का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, सीईटी का कट ऑफ कितना रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसे ही कॉलेजेस के जो रिव्यूज़ है वो आपको देखने को मिलते रहे। तो ये कॉलेज गाइज आई स्क्वायर आईटी के नाम से भी जो है वो काफ़ी फेमस है पुणे के अंदर। बहुत सारे लोग तो इसे ट्रिपल आईटी भी जो है वो बोल देते हैं, बट इसका एक्चुअल जो नाम है वो आई स्क्वायर आईटी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब ये कॉलेज कितना अच्छा है चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइज इस्टैब्लिश हुआ था 2011 में, तो बहुत पुराना ये कॉलेज नहीं है, कुछ ही साल पहले ये कॉलेज जो है वो इस्टैब्लिश हुआ है। लोकेशन है राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क हिंजेवाड़ी पुणे, जो कि एक बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आईटी कंपनीज वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट टाइप है प्राइवेट, एफिलेटेड है पुणे यूनिवर्सिटी के साथ, एंड इंस्टीट्यूट कोड है 6754। जब भी आप कॉलेज को सर्च करोगे तो ये जो इंस्टीट्यूट कोड है वो ध्यान में रखना, तो आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अगर आपको प्लेन वगैरह से ट्रैवल करना है तो 24 किलोमीटर के आसपास आपको पुणे का जो एयरपोर्ट है वो मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन गाइस पास है चिंचवर्ड स्टेशन 9 किलोमीटर के आसपास, एंड बस स्टैंड है वाकड़ में 3 किलोमीटर के आसपास। तो थोड़ा आपको मतलब जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए, बिकॉज स्टेशन एंड बस स्टैंड वगैरह जो थोड़ा दूर है, ऐसा नहीं कि एकदम कॉलेज को लग के ही है, बट पुणे में ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं आता है ट्रैवलिंग में, तो थोड़ा बहुत ही ट्रैवल करना पड़ेगा कहीं पर जाना है तो, बाकी फिर लोकल्स वगैरह से आप जो है वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, तो कनेक्टिविटी का भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको जनरली तीन ही जो ब्रांचेस है वो देखने को मिलेगी। एक है गाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एंड थर्ड है गाइस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंटेक आप देख सकते हो इसका है 179, फिर है 60 एंड 120 का, तो तीन ही ब्रांचेस है एंड तीनों मतलब ऑलमोस्ट टेक्निकल ब्रांचेस हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अगर कंप्यूटर का सीट मैट्रिक्स देखता है तो 143 सीट जो है वो कैपराउंड से जो है वो फिल की जाती है, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 117 सीट्स है, माइनॉरिटी नहीं है तो माइनॉरिटी में सीट्स नहीं रहेगी। ऑल इंडिया अगर आपको जेई से एडमिशन लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, 26 सीट्स है कंप्यूटर में। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो 36 सीट्स हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है, तो सभी टाइप से आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ गाइस, तो अगर आपको सीईटी के स्कोर पर लेना है तो यहाँ पर सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जेई मेन से भी एडमिशन ले सकते हो, अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिप्लोमा के स्कोर के बेसिस पर भी आप यहाँ पर जो एडमिशन है वो ले सकते हो। सारी एडमिशन प्रोसेस सीईटी की काउंसलिंग के थ्रू होती है, जो कि मैं कवर करता हूँ। मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम देखना, आपको सारी एडमिशन प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी, एंड ये भी पता चल जाएगा कि कैसे आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस में अपने फॉर्म्स वगैरह जो है वो फिल करना है। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिला, जो कि बहुत ही कम कॉलेजेस में देखने को मिलता है। यह 24-25 का अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर, जिसमें ओपन का फ़ीस है गाइस 96,930 रुपीज़, जो कि डिसेंट है। डेवलपमेंट फ़ीज़ है यहाँ पे 13,570, तो टोटल जो अमाउंट है वो जाता है यहाँ पे 1,10,500 रुपये। OBC SEBC एंड EWS का यहाँ पे फ़ीस आप जो है वो देख सकते हो 62 है। अभी नए रूल्स आने की वजह से जो गर्ल स्टूडेंट रहेंगे OBC SEBC एंड EWS में, तो उनको यहाँ पे 100% जो वेवियर है वो मिलेगा, तो हो सकता है कि ये जो ट्यूशन फ़ी है वो गर्ल्स को जो है वो पे ही ना करना पड़े, बस इतना ही अमाउंट जो है वो उन्हें पे करना पड़ सकता है गर्ल्स के लिए, जैसे वो नेशनल अभी जो पॉलिसी आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी बॉयज़ के लिए तो सेम ही फ़ीस रहेगा। फिर VGNT इनका आप फीस यहाँ पे देख सकते हो। SC ST में तो पहले से रिजर्वेशन एंड बेनिफिट्स मिले, तो यहाँ पे तो फ़ी ही नहीं है, जीरो फ़ी है पूरा। फिर TFWS है 13,570 एंड जम्मू एंड कश्मीर 24,000। अगर आप ओपन कैटेगरी से यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग करते हो तो यहाँ पे 3,87,720 रुपीज़ आपको जो है वो लग सकते हैं 4 साल का। बाकी कैटेगरी से हो गए तो आपको यहाँ पे फ़ायदा है, काफ़ी कम पैसों में यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग जो है वो हो सकता है। तो अब बात करते हैं गाइस इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो देखो गाइस, जब मैं प्लेसमेंट्स देख रहा था कॉलेज के, तो वेबसाइट पे लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल थी। अब इन्होंने जो है वो कुछ सेक्शन वाइज जो प्लेसमेंट्स है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेक्शंस बनाया है ईयर वाइज, एंड जिस भी ईयर पे आप क्लिक करते हो तो ऐसा जो इंटरफेस है वो आता है। अब इसमें सपोज आप
बजाज अलायंस के प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कि कितने स्टूडेंट्स का वहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो हुआ है, तो इनके वेबसाइट पे जाके आप जो है वो देख सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी खतरनाक वाला जो प्लेसमेंट है वो मुझे तो नहीं देखने को मिला, मेनली एवरेज प्लेसमेंट्स ही यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिले। एंड अगर हम थोड़े ऊपर मतलब 5-7-8 लाख के ऊपर देखते हैं तो 9.5, 9.34 ओरेकल या फिर इन्फोसिस हैक विद इन्फी फिर परसिस्टेंट, जो कि मतलब थोड़े एवरेज पैकेजेस ही आपको आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। 4-5-6 लाख वाली ज़्यादा कंपनीज आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी एंड हाइयर पैकेजेस वाली मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा कंपनीज जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। 2022-23 का जब मैंने देखा तो यहाँ पे एक कंपनी थी जिसका 18 LPA का जो ऑफर है वो आया था, बाकी तो फिर यहाँ पे आपको बिलो 10 LPA के आसपास के ही जो पैकेजेस है वो देखने को मिलेंगे। तो प्लेसमेंट वाइज ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़बरदस्त वाले पैकेजेस या फिर बहुत ही हाई ऑफरिंग्स यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, बट ठीक ठाक कंपनीज यहाँ पे जो है वो आती है। बाकी अगर आपको देखना है तो आप वेबसाइट विजिट करके जो है वो जा सकते हो। एंड आई थिंक सभी कॉलेजेस ने एक जो प्लेसमेंट का रिपोर्ट है वो बनाना चाहिए, जिसमें बताना चाहिए कि हर साल हमारे कॉलेज में से कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं एंड उन स्टूडेंट्स में से कितने परसेंटेज स्टूडेंट का जो एक्चुअल में प्लेसमेंट है वो होता है। बस ये दिखाते कि इतना 9 लाख 10 लाख का पैकेज मिला है, बट एक्चुअल में दिखाना चाहिए कि 400 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स का एक्चुअल में प्लेसमेंट हुआ एंड कितना का नहीं हुआ, तो वो डेटा ज़्यादा बढ़िया रहता है। बट अगर ऐसा कॉलेजेस दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर समझ सकते हो आप, ठीक है। तो वैसा तो डेटा नहीं है, बट जितना भी डेटा था मैंने यहाँ पे जो है वो डाल रखा है, आप देख सकते हो या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। कट ऑफ्स की मैं बात करूँ गाइस, तो CET का कट ऑफ यहाँ पे मैंने पहले डाल रखा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जाता है 95.22% के आसपास, जो कि मुझे थोड़ा हाई लगा, और भी बेटर ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो है वो मिल सकते हैं। IT का यहाँ पे 94.32 एंड ENTC का यहाँ पे 91.22, तो 90 के ऊपर ही यहाँ पे आपको ओपन के जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलेंगे। वही अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो थोड़ा कम कट ऑफ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस रेंज के आसपास और कॉलेजेस देखने हैं कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ इसके आसपास जाता है, तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेंगे, वो भी हाई टू लो के फॉर्म में, तो आप इजीली जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। जैसे अभी हमें यहाँ पे देखना है कि 95 के आसपास कौन से जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 95 वाली रेंज एंड यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस देखना है तो औरंगाबाद, फिर यहाँ पे मुंबई, ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको बस मुंबई में ही एडमिशन लेना है तो फिर मुंबई के ही कॉलेजेस देखो, और देखने की क्या ही ज़रूरत है। तो ऐसे यहाँ पे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, सभी की जो इंडिविजुअल लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को लेके अपने कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते गाइस JEE के कट ऑफ्स की ओर, तो JEE का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। कंप्यूटर में एडमिशन लेना है तो JEE का यहाँ पे 93.25 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। IT का यहाँ पे 92.43 एंड ENTC का 90 के आसपास जाता है। तो JEE का कट ऑफ भी यहाँ पे थोड़ा आया है, कैप 2 एंड 3 में थोड़ा जो कट ऑफ है वो कम होने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं, तो कैप 2 एंड कैप 3 तक जो है वो ज़रूर आप जा सकते हो इस कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं गाइस हॉस्टल फैसिलिटीज़ की ओर, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे सभी जो डिटेल्स है वो दी हुई है कि हॉस्टल चार्ज फॉर वन एकेडमिक ईयर इज 80,000 रुपीज़, चार्जेस इंक्लूड मेस फैसिलिटीज़ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स, तो 80,000 में आपको हॉस्टल प्लस जो मेस है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार पहले चेक कर लेना हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा है, उसके बाद ही एडमिशन लेना, बिकॉज हॉस्टल कहीं पे अच्छे रहते हैं, कहीं पे इतने अच्छे नहीं रहते, कहीं पे खाना अच्छा मिलता है, कहीं पे ठीक नहीं मिलता है। तो पहले अपने सीनियर्स या फिर खुद एक्सप्लोर कर लो, फिर एडमिशन लेना। बाकी यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड एट हॉस्टल, जैसे जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी, तो ये आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। अब बात करते हैं इस वर्डिक्ट के बारे में, तो देखो मुझे ओवरऑल जो कॉलेज है वो एवरेज लगा। अब देखो CSIT के कट ऑफ जो है वो सभी कॉलेजेस में जो है वो काफ़ी हाई जाते हैं, यहाँ पे 95 देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी हाई जो है वो लग रहा है। अब इस परसेंटाइल में पहले अगर हम देखते थे 3-4 साल पहले तो आपको और भी बेटर कॉलेज मिल जाता, बट अभी CSIT के हाइप की वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी इंक्रीज जो है वो हो चुका है। तो मैं बोलूँगा कि आप इसके आसपास और कॉलेजेस जो है वो देख सकते हो, या फिर ये भी कॉलेज ठीक रह सकता है अगर आपको CSIT ही चाहिए तो, बट इसके आसपास और भी अच्छे ऑप्शंस है वो भी आप एक बार जो है वो चेक कर सकते हो। फीस भी ठीक है,
प्लेसमेंट में मुझे ठीक ही लगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो अवेलेबल है, तो रहने का ऐसे प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। ओवरऑल एक ठीक कॉलेज अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट इसके आसपास आपको और भी जो ऑप्शन है वो मिलेंगे, तो पहले वो एक्सप्लोर कर लेना, कंपेयर कर लेना कॉलेज के बीच में। अगर आपको देखना है कि ट्रैवलिंग वगैरह की इशूज़ आ रहे हैं या फिर कहाँ पर कौन से रीजन में आपको कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग, एंड फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है एडमिशन लेने का सोचना, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट होंगे नहीं, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज वगैरह जो है वो आती है, जो कि अच्छी बात है, बट जितना कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है उतने नंबर्स, मतलब 20 लाख 30 लाख, वो पैकेजेस हमें यहाँ पे थोड़ा मिसिंग देखने को मिल रहा है। अगर आगे जाके आते हैं, क्योंकि 4 साल बाद आपका प्लेसमेंट होगा, तो हो सकता है तब आपको यहाँ पे और अच्छे प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिले। बाकी ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बाकी और भी कॉलेजेस के रिव्यूज़ मैंने बनाए हैं, वो भी आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे ही कॉलेजेस के रिव्यूज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।